अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फोजिया कंवल आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर बनाना बताऊंगी, जिससे हम अपने फैब्रिक को डाई कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले ये चुकंदर है जो अपने खाने में यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये मैरीगोल्ड यानी गेंदा, ये हल्दी और ये हमारे पास ग्रीन टी। पानी में ये 1 कप विनेगर डाल दें और जो हम कपड़े पे डाई करेंगे इसको डिप कर दें, ताकि हमारा कपड़ा इस कलर को एब्जॉर्ब करने में फिक्स हो जाए। चुकंदर की छोटी छोटी पीसेस करके आप जितना आपका कपड़ा, हम तो एक छोटा सा पीस कर रहे हैं इसलिए हमने पानी कम लिया है, और पानी में ये डाल दें और इसको अच्छे से बॉईल कर लें। नेक्स्ट हमारे पास ये हल्दी है, आप इसमें 2 टेबल स्पून, थोड़े से पानी में हमने ये किया है क्योंकि हमारे पास फैब्रिक जो है वो उतना बड़ा नहीं है, इसको अच्छे से मिक्स करें। उसके अलावा ये टी बैग है, आप थोड़े से पानी में इसको ऐसे हैंग कर दें। और ये हमने पानी में मैरीगोल्ड यानी गेंदे को रख दिया। अब इन सब पानी को आपको चूल्हे पे बॉईल करना है। जब अच्छे से बॉईल हो जाए कम से कम 15 मिनट्स, उसके बाद हम पानी को ड्रेन करके कपड़े को अपने डाई करेंगे। ये रेडी है, ये देखिए, ये चुकंदर का पानी है जो हमने पानी में चुकंदर को कटिंग करके डाल दिया था, उसका पानी है। ये टी बैग का पानी है, आपको मैं शक्ल भी दिखा देती हूँ। ये देखें, कि इसका कलर कितना प्यारा आया है। सबसे बड़ी की स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है। ये हल्दी, अगर ये आपको डार्क लग रहा है तो आप कम 1 टीस्पून भी डाल सकती हैं। और ये मैरीगोल्ड गेंदे, यही बता दूं कि मैंने ड्रेन इससे किया है, आपके पास कोई दूसरा है तो आप उससे कर सकती हैं। उसके बाद हमें 1 टीस्पून सब में नमक डालना, ताकि हमारे हम जो कपड़े इसमें फैब्रिक डिप करें वो अच्छे से फिक्स हो जाए। फैब्रिक को हमने सिरके के पानी में डिप करके रखा था, वो डिप कर देते हैं इसमें। आपको रखना है सेकंड टी बैग। टी बैग की सबसे ज्यादा स्मेल आ रही है और गेंदे की भी बहुत अच्छी खूबसूरत खुशबू आ रही है और प्यारी खुशबू आ रही है। और आप भी अपने, अगर किसी के माइयो है तो इसमें गेंदा या ये हल्दी का आप कर सकते हैं कि घर में ही डाई कर लें। आप देखते हैं कि क्या थोड़ी देर इसको रखे रहें डिप करके, क्योंकि ये हमारा नेचुरल कलर है, डाई कलर नहीं है, इसे थोड़ा सा टाइम लेगा ये डाई होने में। ये हमारा रेडी है। सबसे पहले ये ग्रीन टी के जो टेक्निक हमने डाई के लिए तैयार किया था, देख लें ये लाइट कॉफ़ी कलर आ रहा है। आप ग्रीन टी की जगह कॉफ़ी भी यूज़ कर सकती हैं, कॉफ़ी का शेड इससे थोड़ा सा स्लाइटली डार्क आएगा। उसके बाद ये मैरीगोल्ड है, ये पिस्ताई ग्रीन, इसका इफेक्ट आया है, बहुत ही खूबसूरत इसका इफेक्ट है। उसके बाद ये टर्मेरिक हल्दी का इफेक्ट है, प्योर हल्दी कलर येलो। एंड लास्ट में बीट रूट चुकंदर का इफेक्ट है। चुकंदर को जब हमने बॉईल किया था उसका पानी बहुत रेडिश था, लेकिन
कलर आप देख सकती हैं कि बहुत ही लाइट पिंक या पीच कलर कह सकती हैं आप इसको। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे खुद से कोई से भी किसी चीज़ से भी आप कर सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ग्रीन कलर आप चाह रही हैं तो पालक के पत्ते डाल दें और कॉफ़ी डाल दें, और जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, फिर मैं भी आप लोगों के साथ वही टेक्निक शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है आज आपको हमारी ये वीडियो और हमने टाई टाई पे पूरा अपने एक सीरीज की है वो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।